इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं मैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप दीपक मीना क्लासेस सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर भी आपको चैनल मिल जाएगा। बुक को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चाहो तो आप बुक को भी परचेस कर सकते हो। स्टार्ट करते क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज इज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो होती है वो होती है आपकी मॉर्फिम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका फोनिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रूपिम। ऑप्शन नंबर सेकंड है द साउंड था फा चा आर। था फा चा ध्वनियां क्या है, तो ये है आपकी साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इन्हें फोनिम बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू। ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही सही धारा व धारा प्रभाव बोलना, ये थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। नो अंडरस्टैंड एंड राइट, राइटिंग का इसमें क्या काम है, क्योंकि यहाँ तो ध्वनि का मतलब आपको बोलना आना चाहिए। मास्टर द रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल से आप बोलने में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। मीन्स ध्वनि संबंधी जागरूकता आपकी नहीं बढ़ेगी अगर आप ग्रामर के नियम में अकेले दक्ष हो गए। तो इसका मतलब यही है कि आप ध्वनि संरचना व चिंतन पर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना कि जो साउंड है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल। अब स्वीकृत ध्वनि संयोजकों, देखो ध्वनि की बात आ गई, ध्वनि का मतलब कि आपका फोन से जुड़ा हुआ होगा, शायद आपका फोनिम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो बात नियमों की चल रही है जिन्हें हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल रूल। फोनोलॉजिकल रूल आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा कि एक इस प्रकार का जैसे बोट है तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, बी ऐसे ऐसे इस प्रकार से करके, तो यही आपके फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। जिन्होंने रीड के लिए पढ़ा रखा होगा उन्हें शायद पता होगा क्योंकि वहां पर लैंग्वेज टू में ये फोनोलॉजिकल रूल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द सेंटेंस मैडम ड्राइव अ बाइसिकल, मैडम साइकिल चलाती है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैडम ड्राइव अ बाइसिकल, मैडम बाइसिकल ड्राइव करती, जबकि बाइसिकल को ड्राइव नहीं किया जाता, बाइसिकल को राइड किया जाता है। ठीक है, आपकी बाइसिकल हो गई, बाइक हो गई, हॉर्स हो गए, इनकी राइड की जाती है, ड्राइव किया जाता है जो कार होती है, बस होती है, जिनके आप अंदर जाकर बैठते हो, जिनके ऊपर बैठते हो उसको राइड करते हैं, जिनके अंदर बैठते हो उसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ब का यूज किया गया है ये गलत वर्ब का यूज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सही है लेकिन इसका जो मीनिंग है वह गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट सिंथेटिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। बिल्कुल सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। करेक्ट ये गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत ही होंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो गलत निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। What kind of errors in common between a learner who is learning his mother tongue and the learner who learns the same language as a second language? तो दोनों किस प्रकार की गलतियां कर सकते हैं? देखिए इस प्रकार में दोनों बच्चे ओवर जनरलाइजेशन कर सकते हैं, अत्यधिक सामान्यीकरण। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है? ओवर जनरलाइजेशन मतलब कि जैसे आपने बच्चे को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म सिखाते हैं, वर्ब की जब हम थर्ड फॉर्म सिखा रहे होते हैं तो कोई भी आप एक वर्ब की फॉर्म उठा लो, जैसे कुक है, कुक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुकड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड, तो फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि जितनी भी थर्ड फॉर्म है सब में ईडी ईडी लगा दो। ठीक है, तो सब में ईडी ईडी लगाना शुरू कर देता है। अगर आप गुस्से गुड की सेकंड फॉर्म पूछोगे तो इसमें भी ईडी लगा देगा और थर्ड फॉर्म के लिए भी ईडी लगा देगा। अगर आप उससे पुट की पूछोगे, क्योंकि पुट की देखो तीनों फॉर्म सेम होती है लेकिन वो दोनों में ईडी ईडी लगा देगा। तो इसे हम बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन करना, एक रूल को हर जगह ही फॉलो करा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार की गलतियां बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है,
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड प्रिटेंडिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेंसिटिव पीरियड पूछे तो आपको एक तो इसका आंसर लगाना है चाइल्डहुड, और अगर चाइल्डहुड भी इस तरह से दिया हो अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड तो फिर आपको आंसर लगाना है अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बचपन का समय होता है लगभग 2 से 6 साल का, और मध्य बचपन का समय हम 4 से 6 कह सकते हैं, जो लेटर चाइल्डहुड होता है वो 6 से 12 होता है। ठीक, तो प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है 2 से 6 वर्ष का, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील समय है, क्योंकि इसमें इस समय भाषा विकास में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा होता है। देखिए बच्चा घर से बाहर भी निकल रहा होता है, नए नए शब्द सीख रहा होता है, ग्रामर के नए नए नियम सीख रहा होता है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली ही सीख रहा होता है, लेकिन सीख रहा होता है, एक्वायर कर रहा होता है अपने आसपास से भाषा को। अगर इस एज में बच्चा जो दिमाग है, दिमाग को बच्चा अगर दिमाग पढ़ना सीख जाता है तो फिर वह उसके माइंड में दिमाग ही वर्ड फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज की गलतियां होती हैं, कुछ बच्चों का प्रोनाउंसिएशन आगे चलकर भी सेम ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो वही होगा आपका प्रारंभिक बचपन काल या प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिटवीन द मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगन्स टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, 18 से 24 साल के बच्चे शब्दों को मिलाकर वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बच्चा कहता है कि उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा थोड़ा गलत बोल रहा है ना, तो आप रिप्लाई करके उसी सेंटेंस को सही बोल देंगे, तो बच्चा ही बोलेगा हाँ दादाजी आए हैं। बच्चे आपका सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, दादाजी आया है कि जगह दादाजी के कहना चाहिए, बच्चे अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे। आप अच्छा उसके दादाजी आए हैं इस तरह से रिप्लाई करेंगे ताकि बच्चा उसे समझ सके कि सही क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये इंग्लिश में थोड़ा अलग सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे पूरी कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द करेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, ये तो सही तरीका है कि बच्चों को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बार बार टोक नहीं रहे, जिस तरह से बोल रहा है बोलने दे रहे हैं, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, ये गलत है कि भाई आप अपनी भाषा को यूज नहीं कर सकते। ओन लैंग्वेज यानी बच्चे की जो मातृभाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना, बिल्कुल ठीक। भाषा का प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये तो ठीक है। बाकी सब तरीके सही है, बस सेकेंड ही तरीका गलत है, तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। 12 लैंग्वेज थॉट्स प्रोसेस, भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, गलत है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये भी गलत है। विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रभावित करती है, ये भी गलत है। नियंत्रित करती है, गलत है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये सही है। हैज एन इन्फ्लुएंस्ड आवर थॉट्स प्रोसेस, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। टोटली कंट्रोल नहीं कह सकते कि पूरी ही तरीके से इसी का कंट्रोल होता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसका कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैंग्वेज ब्लैंक थॉट, भाषा विचार पूर्णतः स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, सिनोनिम्स हैं नहीं, समानार्थक भी नहीं है, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित करते हैं, कैन बी इक्वेटेड विद, जोड़ी जा सकती है, ये भी सही है। अब थर्ड एंड फोर्थ तो दोनों ही सही है। अब ऑप्शन नंबर 3 लिख रहा है कि भाषा विचार को प्रभावित करती है। अब भाषा विचार को पूरी तरह प्रभावित करती है या क्या कहते हैं पार्शली इन्फ्लुएंस करती है, तो इसलिए हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे कि भाषा को विचार से जोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि पूरी तरीके से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन हाँ हम लैंग्वेज एंड थॉट्स को जोड़ सकते हैं, लैंग्वेज को आप थॉट से रिलेट कर सकते हो, इसलिए 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोजिशन वेयर थॉट्स पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है, ऐसी स्थिति को लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशंस कहते हैं, भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 15 है, थॉट्स नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रेसीड्स इट, वाज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं।
विचार भाषा को निर्धारित कर रहे हैं, ये बात बोली थी जीन प्याजे ने, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। फर्स्ट है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक के स्किनर, बच्चे भाषा के बारे में एक निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चोम्स्की, भाषा और विचार प्रारंभ में भिन्न भिन्न गतियां हैं वाइगोत्स्की, भाषा विचार पर आधारित है प्याजे। तो ये ऑप्शन तो सही है, भाषा विचार पर आधारित है, प्रारंभ में भिन्न भिन्न गतियां हैं ये भी सही है। एंटर द वर्ल्ड विथ सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के नॉलेज के साथ तो एंटर नहीं करते बच्चे, बच्चों के अंदर जो होते हैं ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता होती है, ठीक है, लैंग्वेज एक्वायर करने की जो क्षमता है वह उनके अंदर जन्मजात होती है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, लैंग्वेज स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट स्किनर, ये थोड़ा बहुत ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स प्याजे एंड वाइगोत्स्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स करेक्टली, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, गलत है, वाइगोत्स्की ने बोला था पहले भाषा जन्म लेती है। अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट्स इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स, प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोनों के विचारों के हिसाब से, बोथ व्यूज ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द, ये गलत है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, बोथ व्यूज लैंग्वेज इज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड थॉट, ये भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, चिल्ड्रंस आर ईगोसेंट्रिक, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात प्याजे ने बोली थी, चिल्ड्रंस यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये बात वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, चिल्ड्रंस यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ये गलत है, चिल्ड्रंस आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की, सोच दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड्स गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स, ये गलत है, बच्चों को स्टूपिड तो बोला ही नहीं जाता, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात प्याजे ने बोली है, सोच दैट चिल्ड्रन लव्स देमसेल्व्स, ये इसका कुछ लेना देना है नहीं है, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, ये बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। 20 है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसने करा, प्राइवेट स्पीच का यूज करा था सबसे पहले वाइगोत्स्की ने, जिसे प्याजे ने अहम केंद्रित भाषा बोला था। 21, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर्स एज अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन किसका है, दूसरे के साथ संप्रेषण करना किसके अंदर बात करी थी, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, जो कि वाइगोत्स्की का है, तो ये स्टेटमेंट भी वाइगोत्स्की का ही रहेगा। किस सिद्धांतवादी के अनुसार अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल किसने बताया था, प्याजे ने बताया, सॉरी वाइगोत्स्की ने बताया था, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। 23 है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हर सेल वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल, जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा, लेब वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, गलत है, जीन प्याजे एंड लेब वाइगोत्स्की वुड वी एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, ये भी गलत है, जीन प्याजे एंड लेब वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन दिस इज एन ईगोसेंट्रिक, दोनों ही ईगोसेंट्रिक इसे नहीं मानते हैं, जीन प्याजे वुड एक्सप्लेन दिस एज एन ईगोसेंट्रिक स्पीच व्हाइल लेब वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलर हर
एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच, ये बात बिल्कुल ठीक है। जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेब बायगोस की इसकी व्याख्या बच्चे की अब द्वारा निजी भाषा के रूप में अपनी कार्य क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, 24 है। अकॉर्डिंग टू लेब बायगोस की, लेब बायगोस की के अनुसार इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, वयस्क और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट्स, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। कल्चरल प्लेस अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। स्विंडन लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चे द्वारा भाषा अर्जन की युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है चॉम्स्की का, इसलिए गलत है। स्मॉल रोल की बात तो कभी करेंगे नहीं, बायगोस्की की संस्कृति स्मॉल रोल प्ले करती है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल ठीक है, जो लैंग्वेज है वह थॉट्स को बदल देती है, ये बात बोली थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। मौखिक संवाद, जो बच्चे अपने आप से करते उन्हें लेब बायगोस्की ने क्या कहा, उन्हें लेब बायगोस्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, अपने काम को दिशा देने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। जिक्सो पहेली को सोल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, जो बच्चे अपने काम को निर्देशित करने के लिए करते हैं। बायगोस्की तथा प्याजो के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ बायगोस्की एंड प्याजेस, द क्रिटिक्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, हमें दोनों की विभिन्नताएं बताना है, यह तो समानता के अंदर आ जाएगा। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, दोनों ही इसकी बात करते हैं। देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट्स, ये बिल्कुल ठीक है, भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण अलग अलग है। देयर कंसेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, ये बात तो दोनों ही करते हैं। विभिन्नता इसी की है कि भाषा और विचार के बारे में दोनों के थॉट अलग अलग हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्याजे द्वारा कमतर आंका गया, प्याजे ने हेरिडिटी की बात करी है, अनुवांशिकता की बात करी है, सामाजिक अंतःक्रिया पर भी जोर देते हैं, लेकिन अहम केंद्रित भाषा की बात भी करी है। अहम केंद्रित भाषा के रोल को कम बताया इन्होंने कि इसका कोई रोल नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही इस विचारों को निर्धारित करने में इसका कोई अहम रोल प्ले नहीं करता, ये जो अहम केंद्रित भाषा होती है। ठीक, मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय अधिक है, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर सोशलाइज्ड देन ईगो सेंट्रिक, मिडिल चाइल्डहुड के बाद जब बच्चा एडोलेसेंस में प्रवेश करता है तब सोशलाइज्ड कम हो जाता है, ईगो सेंट्रिक ज्यादा हो जाता है। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक है, तो हिंदी के हिसाब से सेकेंड आंसर इंग्लिश के हिसाब से सेकंड आंसर और हिंदी के हिसाब से फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।